हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ एसिड्स। जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने डील किया था एसिड्स के केमिकल रिएक्शंस के बारे में, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, आज अपन इस टॉपिक में डील करेंगे कि एसिड्स के यूजेस क्या क्या होते हैं। तो एसिड्स के बहुत सारे यूजेस होते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन भी हैं उसके। जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँ विनेगर से। विनेगर आप लोग सभी को पता है, ये वही है जो हम लोग घर में यूज करते हैं। ये अचार में डाला जाता है खट्टा करने के लिए और एज अ प्रिजर्वेटिव भी। इसके अलावा विनेगर आप डालते हैं जब चाउमीन प्रिपेयर होता है, जब मंचूरियन बनाते हैं तब, ये सारी चीजों में विनेगर डाले जाते हैं, ठीक है। और विनेगर बना किससे होता है? विनेगर बना होता है, मैंने आपको ये पहले बताया, जब एसिडिक एसिड को आप वेरी डायल्यूट कर दोगे। एसिडिक एसिड को कहते हैं जब डायल्यूट, यानी इसमें क्या ऐड कर रहे हैं पानी, तो इसमें लगभग एसिडिक एसिड मात्र 5% रहता है और पानी की तरफ 95%। जब 95% वाटर में आप 5% एसिडिक एसिड डालेंगे तब ये क्या देगा आपको? विनेगर देगा। इसके अलावा दूसरे और भी एसिड्स हैं जो भी यूज होते हैं, जैसे कि आपका HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एसिड्स आपके यूज होते हैं पिकलिंग के लिए। अब पिकलिंग क्या होता है आपको मैंने बताया था, गैल्वेनाइजेशन। चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको पढ़ाया था गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन करने के लिए आपको क्या लगता है? दो मेटल्स लगेंगे, एक तो मेटल, उसके ऊपर मेटल सरफेस। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, गैल्वेनाइजेशन करने से पहले, गैल्वेनाइजेशन करने से पहले आपको उस मेटल को क्या करना पड़ता है? साफ करना पड़ता है। साफ इसलिए करना पड़ता है ताकि उस मेटल के ऊपर कोई ऑक्साइड का लेयर थोड़ा जमा हुआ है। तो वो प्रोसेस साफ करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? पिकलिंग कहलाता है। और उसको साफ किससे किया जाता है? एसिड से किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, H2SO4 और HNO3, यानी सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये दोनों एसिड यूज होते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स। किसको बनाने में यूज होते हैं? फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज होते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं तो सल्फ्यूरिक एसिड को अपन किंग ऑफ केमिकल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किंग ऑफ केमिकल्स, क्योंकि ये काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है और ये लगभग सारी चीजों को ऑक्सीडाइज करा सकता है। सारी चीजों को मीन्स H2SO4 को किंग ऑफ केमिकल इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो लगभग सारी चीजों के साथ रिएक्ट कर लेता है, सारी चीजों के साथ, ठीक है। मैंने बोला लगभग ना, अब आप सोचिए, मैंने बोला लगभग, इसमें मतलब डेफिनेटली कुछ ना कुछ पॉइंट छूट गया होगा। तो आपको मैं बता दूं कौन सा पॉइंट छूटा है। क्या होता है ना, आपको याद है मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज दी थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो उस रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से ऐसे दो तीन मेटल्स थे जो बहुत ही बहुत 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 ज्यादा वीक रिएक्टिव थे, जैसे कि आपका हो गया गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। ये तीन पर्टिकुलरली, ये तीन ऐसे मेटल्स हैं जो कि जनरली किसी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। आपको मैं एक और बात बता दूं, जैसे HCl आपका है और HNO3 है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। अब गोल्ड को ही ले लेते क्योंकि वो बहुत कम है। गोल्ड को अगर मैं गोल्ड में HCl डालू या गोल्ड में HNO3 डालू तो दोनों में से कोई भी गोल्ड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये इवन आपको बता दूं मैं कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग एसिड है, बहुत बहुत ज्यादा, उसके बावजूद वो गोल्ड के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो अब प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि गोल्ड को अगर मान लीजिए ट्रांसफॉर्म करना है या उसको प्योरीफाई करना है तो डेफिनेटली उसको वोल्टेज स्टेट में लाना पड़ेगा। उसको कैसे लाऊंगा? रिएक्ट तो कर नहीं रहे, तो रिएक्ट नहीं कर रहा तो क्या होगा? हम लोगों ने इसी कारण एक ऐसा एसिड प्रिपेयर किया जो कि गोल्ड से भी रिएक्ट कर सकता है। और वो एसिड कैसे प्रिपेयर हुआ था? वो एसिड हुआ था, हम लोगों ने लिया 3 मोल्स HCl का और 1 क्वांटिटी HNO3 का। यानी कि हम लोगों ने जो सॉल्यूशन प्रिपेयर किया उसमें 3 क्वांटिटी HCl की थी और 1 क्वांटिटी HNO की थी। कौन से रेशियो लिया आपने? 3:1। और जो प्रिपेयर एसिड है उसको नाम दिया गया एक्वा रिजिया। ये काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, आपको इसको याद रखना है, एग्जाम में काफी बार आया है कि एक्वा रिजिया क्या होता है। तो एक्वा रिजिया इज प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग 3 पार्ट ऑफ HCl एंड 1 पार्ट ऑफ HNO3। यहां पर एक बात और याद रखेंगे, दोनों के दोनों एसिड हाईली कंसंट्रेटेड रहेंगे। दोनों के दोनों एसिड क्या रहेंगे? हाईली कंसंट्रेटेड। अभी एक्वा रिजिया प्रिपेयर्ड है किस चीज के लिए? तो ये किसी भी चीज को डिसॉल्व कर सकता है, किसी भी चीज को।
इवन तो गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम किसी भी चीज को ये भी डिजोल्व कर सकता है, ठीक है। इससे पहले गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम किसी नॉर्मल एसिड से डिजोल्व नहीं होते थे। नेक्स्ट आप लोगों का, इसके अलावा बता दू मैं, इसके अलावा और बता दू मैं आपको, तो जैसे मान के चलो आपका सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, पर्टिकुलरली ये सल्फ्यूरिक एसिड ही नहीं है, और भी बहुत सारे एसिड है लेकिन हम लोग इसको मोस्ट कॉमन लेते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है आपकी बैटरी में, जिसको आप लोग तेजाब बोलते हैं। आपको पता होगा बैटरी में बहुत ही हाईली कंसेंट्रेटेड एसिड रहता है, वो एसिड यही होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो आई थिंक आप लोगों को इसके यूजेस क्लियर है।